वेलकम टू कुकस्मार्ट, आई एम संजीव कपूर। और भाई खाना खाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि मतलब आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो एकदम बढ़िया सा होना चाहिए। मतलब सुबह उठे एकदम फ्रेश उठने चाहिए। उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है वो होता है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट कई बार ऐसा होता है कि स्किप कर दिया जाता है, ना बिल्कुल ना करें। अब देखिए, आप ब्रेकफास्ट और लंच को मिक्स कर सकते हैं कि लेट उठे हैं तो काफ़ी देर हो गई है, तो ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, लंच स्किप ना करें, ब्रंच करें। तो ब्रंच जो है, ब्रंच करने के लिए क्या करना पड़ता है, भाई थोड़ा सा लेट उठना पड़ता है, तैयारी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया मूंग के टोस्ट के साथ में, एकदम अलग है, पाव भाजी का स्वाद आएगा उसके अंदर। ये बनाने के लिए ये ज़रा प्याज ले लेते हैं और प्याज को चॉप कर लेते हैं। तो प्याज लेकर उसे भाई छुरी जो है थोड़ी सी तेज और बारीक काट लिया, प्याज को चॉप हो गया। और अब ये प्याज ले लेते हैं हम इस बोल के अंदर, ये ले लिया। इसमें डालते हैं ये हरी मूंग उबली हुई, ये मूंग के दाने, पके हुए मूंग के दाने, मतलब उबाल के इसके अंदर डालें। आप चाहें तो स्प्राउटेड वाले भी इसमें डाल सकते हैं, ये ले लिया। और ये जो आलू हैं, उबले हुए आलू क्रश करके या ग्रेट करके ये ले लिए। और इसमें नमक, नमक डाल दिया, उसके साथ साथ थोड़ा चाट मसाला, ये इसमें पाव भाजी मसाला, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा, पाव भाजी मसाले से एकदम बढ़िया तीखा ये बनेगा। तो ये सब चीज़ें डालकर मैश कर दिए। तो ये उबले हुए आलू, इसके अंदर थोड़े से और उबले हुए आलू, थोड़े से और ये उबले हुए आलू इसके अंदर आ गए। भाई ये सारी तैयारी हो रही है ये टोस्ट बनाने की, और ये जो टोस्ट है ग्रिल टोस्ट बनेंगे, ग्रिलर वगैरह नहीं, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनेंगे। तो ये हो गया इसका मिक्सचर तैयार, मिक्सचर तो तैयार हो गया। ये ले लेते हैं ब्रेड, ब्रेड के स्लाइसेस, और इसमें मैंने कहा ना कि ड्राई नहीं लगेगा, ये ड्राई इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस पर हम लगाएंगे चटनी। तो इस पर आप धनिया पुदीने की चटनी लगा दें, थोड़ी सी तीखी थोड़ी खट्टी। तो एक तो ये अंदर से मॉइस्ट हो गया और बाहर से थोड़ा खस्ता हो जाएगा, हल्का सा तेल लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं। तो ये हो गया तैयार। अब मिक्सचर, भाई वाह, भाई आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, मतलब ये लेकर मक्खन, ये ग्रिल करने के लिए ये ट्रेडिशनल वाला हमारे पास, और इसमें हल्का सा तेल या मक्खन या घी जो आपको अच्छा लगे वो इसमें लगाएं। और फिर रख दिया ये इसमें और इसको कर दिया बंद। तो ये इस पे पकने देते हैं और ये दोनों तरफ से सिकेगा, अंदर से गर्म होगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे ना करें। ये जो बनना चाहिए ना, ये एकदम बढ़िया से खस्ता बनना चाहिए। तो खस्ता बना है या नहीं, ओहो क्या खस्ता करारा, वाह वाह, थोड़ा सा और कर लेते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बन रहा है। हाँ, ये इसके अंदर जो हमने कमाल किया है ना कि आलू भी डाल दिए, मूंग भी डाल दिया है, थोड़ा प्याज भी डाला है और पाव भाजी मसाला है, बस टेस्टी बनना चाहिए, डिलिशियस बनना चाहिए, और हरी चटनी भी है ताकि चटनी की ज़रूरत ना पड़े। तो ये लीजिए, वाह वाह वाह, ये देखिए गर्मा गर्म ये तैयार, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो ये अब इसको, वाह है ना गर्मा गर्म, एकदम बढ़िया से गर्मा गर्म ये लीजिए। भाई चटनी के साथ खाना है वैसे खाइए, केचप के साथ खाना है वैसे खाइए, मस्टर्ड सॉस के साथ में खाना है वैसे खाइए, भाई प्यार के साथ खाइएगा, जल्दबाजी ना कीजिए क्योंकि बहुत गर्म है। मूंग टोस्ट बनाने के लिए
प्याज को बारीक काट कर एक बोल में डालें और उसमें मूंग डालें। आलू को मसल कर डालें। अब नमक, चाट मसाला और पाव भाजी मसाला डालकर हल्का सा मसलते हुए अच्छी तरह मिला लें। ब्रेड के सभी स्लाइसों पर धनिया पुदीने की चटनी लगाएं, फिर चार स्लाइस पर ढेर सारा मूंग का मिश्रण रखें। बचे स्लाइस से ढक दें। सभी सैंडविचों के बाहर थोड़ा और मक्खन लगाएं। सैंडविच टोस्टर के अंदर घी या तेल लगाएं। उसमें एक एक करके सैंडविच रखकर बंद करें और मध्यम आंच पर पलटते हुए पकाएं जब तक दोनों तरफ से समान सुनहरे हो जाए। सभी सैंडविच के दो त्रिकोण काटें, सर्विंग प्लेट पर रखें, प्याज से सजाएं और गर्मा गर्म परोसें।